दोस्तों आपके लिए आज फिर हम नए हरियाणवी सॉन्ग जो अजय हुड्डा भाई का खलनायक सॉन्ग है उसकी अपडेट लेकर के आए हैं। अजय हुड्डा भाई का ये खलनायक सॉन्ग है, 1 मार्च को स्पीड रिकॉर्ड हरियाणवी चैनल से आ रहा है। तो खुद अजय हुड्डा भाई ने आकर के इसके बारे में लाइव आकर के लाइव अपडेट दी है इस सॉन्ग के बारे में। तो आप इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना जय हुड्डा। और जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा कि खलनायक सॉन्ग जो कि आ रहा है 1 मार्च को ऑन द स्पीड रिकॉर्ड रिक्वेस्ट चैनल पर कि पोस्ट में शेयर करते रहिए ताकि सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैंने बेरा है सारे भाइयों ने इस सॉन्ग का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि यंगस्टर मतलब मैं इतना कहना चाहूँगा जो भी फिलहाल ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से ये सॉन्ग निकाला है। जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चला खलनायक, तो ये एक गैंगस्टर स्टोरी पे आधारित है और बहुत अच्छा आपको इसका ऑडियो और बहुत ज़्यादा अच्छा आपको इसका वीडियो देखने और सुनने को मिलेगा। मेरा वादा है आपसे, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, बेहद पसंद आएगा। बिल्कुल इसकी सिंगिंग जो है वो की है संदीप सुरीला भाई ने, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाया है उन्होंने और इसका जो म्यूजिक दिया है वो अमन जाजी ने दिया है। पिछले कई सॉन्ग्स का उन्होंने म्यूजिक दिया, रियली बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं। मोटो सॉन्ग का उन्होंने म्यूजिक दिया, दिलवाली कोठी का म्यूजिक दिया, हरियाणा वाले का दिया, तो रियली बहुत अच्छा म्यूजिक है। बात करिए भाई एक बार प्रदीप जी था भाई यश के उधर का, तो मैं बता रहा था संदीप सुरीला भाई ने इसे गाया है, बहुत अच्छा इसका म्यूजिक है। और उसके बाद बात आती वीडियो की, अमित चौधरी ने डायरेक्शन की है इस सॉन्ग की, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रेडी किया है। प्रकाश भाई ने DOP थे इस सॉन्ग के और एडिटर अमन बलारा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी। तो पूरी टीम जो कि मेरी टीम है, पूरी टीम को आप तकरीबन जानते ही हैं, सारी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रेडी किया है। और इसमें मेरे साथ फीमेल आर्टिस्ट हैं रश्मि सिंह, मिसेस इंडिया 2018, राजस्थान अलवर से हैं वो, उनका डेब्यू सॉन्ग है ये, तो उन्होंने डेब्यू किया है। तो रियली आप लोग उन्हें देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको उनका काम भी। हाँ, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोनू सुरेतिया भी इस सॉन्ग में एज एन विलन भी हैं और विनोद गादली और मोनू सुरेतिया इन्होंने प्रोडक्शन भी संभाली है दोनों ने और साथ ही साथ एक्ट भी किया है, बहुत अच्छा एक्ट किया है। तो ये जो शेयरिंग का बटन है एक बार प्लीज़ अगर आप चाहें तो मेरे लिए दबा सकते हैं क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक हरियाणवी प्रमोटर हूँ। मेरा एक ही मकसद है रियली जब तक जिंदा हूँ कि हरियाणवी को मतलब प्रमोट करते रहना उस लेवल तक जहाँ तक मेरी गुंजाइश है मैं पहुँचा सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने 100% एफर्ट्स लगाऊंगा और मैं चाहूँगा कि अपनी हरियाणवी बोली वहाँ बजे जहाँ लोग हरियाणवी हिंदी बजाते हैं। तो बस जो हिंदी को समझता है जानता है वो हरियाणवी को भी जाने और हरियाणवी को भी सुने, और वो दिन अब दूर नहीं है रियली। चाहे वो फिल्मों की बात हो चाहे वो सॉन्ग्स की बात हो, आज हरियाणवी ग्रो कर रही है, फिल्मों में भी बहुत हरियाणवी सॉन्ग आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। सभी हरियाणवी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं रियली, सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने भी आर्टिस्ट हैं, नए हैं पुराने हैं। पुरानों का तो सबसे ज़्यादा इसलिए करना चाहूँगा कि अगर वो नींव नहीं रखते इस इंडस्ट्री की, इस पॉप लाइन की, तो आज हम कितना भी कुछ कर लेते लेकिन अब स्टैंड नहीं दे पाते, अपने आप को भी नहीं और हरियाणवी को भी नहीं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है,
पुराने आर्टिस्ट जितने भी हैं, रियली उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रगुजार हूँ मैं भी और सभी आर्टिस्ट। हाँ, तो एक बार फिर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप शेयर का बटन दबा सकते हैं मेरे लिए। और खलनायक सॉन्ग आपको बहुत ही प्यारा सॉन्ग सुनने को और देखने को मिलेगा, बहुत ही अलग ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। जैसा आप लोगों ने सोचा, वीडियो दिखेगा पूरा धमाका है, पूरा मतलब गोलियां वोलियां चलेंगी सॉन्ग में, पूरी फाइट वाइट है, लेकिन उसके साथ भी एक मतलब जो मैसेज है वो मैसेज देने से वीडियो टीम हमारी चूकी नहीं है, उन्होंने प्रॉपर मैसेज दिया है। रियली हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है, और डीओपी प्रकाश कुमार ने और अमन बलारन बहुत अच्छी डीओपी और एडिटिंग की है। रियली काफ़ी आप लोगों को पसंद आने वाला है, और रश्मि सिंह का भी करेक्टर बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। इसके अंदर जो भी आर्टिस्ट हैं, जो विलेन करेक्टर्स हैं, या जो भी जैसे कि जमाल पूरा गांव, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जगत परदेसी ताऊ, ताऊ के नाम से मशहूर हैं वो, इसलिए ताऊ, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रियली बहुत अच्छा वीडियो बन के रेडी हुआ है, और पहले ये मतलब कन्फ्यूज़ था कि मतलब कब सॉन्ग रिलीज करें। अभी जस्ट स्पीड रिकॉर्ड से बात हुई है, अभी प्रोजेक्ट भेज दिया गया है आज उनके उनको रेडी करके, तो अब उन्होंने डेट पूछी है, तो मैंने बताया कि अभी तो मतलब 1-2 दिन तो चाहिए, सभी प्लेटफॉर्म पे ऑडियो वगैरह रिलीज होगी तो थोड़ा टाइम तो बनता है, चाहिए भी। तो 1 मार्च 2020 को ये सॉन्ग रिलीज हो रहा है। पिछला सॉन्ग मोटो भी 1 जनवरी को रिलीज हुआ था, तो यू नो बेटर कि मोटो सॉन्ग ने मतलब हरियाणवी को 4 चांद लगाए, कई रिकॉर्ड बनाए मोटो ने, जैसे कि पहले दिन का रिकॉर्ड जो कि 53 लाख कुछ हजार एक दिन में व्यू आए, 100 मिलियन 45 दिन के अंदर, टिकटॉक पर 30 लाख से ज़्यादा वीडियोस, और चौथा और सबसे मतलब हमारे लिए गर्व की बात कि ये सॉन्ग बॉलीवुड में हिंदी फिल्म में, और वो भी एक सुपरस्टार की फिल्म में आ रहा है। और उसके बाद ये खलनायक, खलनायक सॉन्ग रियली मैं अभी पिछले महीने रिलीज़ करने वाला था, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आई कि शो चल रहे थे तो टाइम नहीं दे पाए, इसलिए 2 शूटिंग की डेट भी मिस हुई। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों ने इंतज़ार किया है, रियली वो इंतज़ार का फल मीठा होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, प्यार बनाए रखिएगा। तो 1 मार्च को कल पोस्टर रिलीज हो जाएगा। हाँ, बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, जिनके कमेंट्स नहीं पढ़ पाया हूँ सॉरी, मुझे इतना प्यार करने के लिए और कमेंट करने के लिए, लव यू, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। जिन्होंने कमेंट नहीं किया एक बार फिर दोबारा कर सकते हैं, और एक बार प्लीज़ मेरे लिए शेयर कर दीजिए जल्दी, पिछले लास्ट 2 मिनट है, मैं सबके कमेंट पढ़ दिया, आप लोगों को मज़ा आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, आप लोगों को ऑडियो और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मिलते हैं एक बड़े धमाके के साथ, रियली सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सभी का फिर बार बार धन्यवाद, और आप लोगों का प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, धन्यवाद।